भावों के साथ खीर बहरा दी और कालांतर में उस बच्चे का स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये वही जीव है जो उसने इतनी इतनी ऊंची भावनाएं रखी कि वो आज शाली भद्र के रूप में है। तो भगवान ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे जीवन में भावनाओं का बहुत ही ऊँचा स्थान है। ये भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचे क्षेत्र में ले जाती हैं। भावनाएं हो ना हो तो किया हुआ धर्म भी हम व्यर्थ मानते हैं। हमारे जीवन में लगातार हमारे सुंदर भाव हो, हमारे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो उसको लेकर जाएं। क्योंकि ये सब लोग जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु लोग में बैठे कुछ यात्री हमारे पास निरंतर इस गाड़ी में आ रहे हैं, नए भी यात्री आ रहे हैं, हम लोग वेटिंग हाउस में हैं। तो जो भी समय यहाँ पर आ रहा है हमारे ऊंचे भावों के साथ, धर्म के साथ, वो यही हमारी भावनाएं हैं। तो आज जिस देवी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कल जब उनका भैरवा आ रहा था तो मात्र 56 साल की उम्र, तो ये एक ऐसी उम्र होती है चाहे जानते हुए भी ना जानते हुए, हम सब लोग समाज में परिवार में एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं कि दुख को महसूस करते हैं। तो इस देवी का जाना, इस कम उम्र में जाना परिवार के लिए, दोस्तों मित्रों संबंधियों के लिए बेहद ही शोक की घड़ी है। और हम सब इसके लिए हार्दिक इस परिवार को संवेदना भी प्रकट करते हैं। परिवार में श्रीमती प्रेम जैन, वाइफ ऑफ श्री अशोक कुमार जैन, सन ऑफ श्री सरदारी लाल जैन, दारे शाह लोडा परिवार, लोकेश जैन, प्रेरणा जैन, पुत्र पुत्र वधु, रोहित जैन, कृति जैन, पुत्र पुत्र वधु, त्रिमन्या और अन्या हैं जो पुत्र और पोत्री हैं, संजय जैन, रीमा जैन, पंकज जैन, शिखा जैन, ये प्रवक्ता भाजपा लुधियाना, अमित अलका जैन, आशीष सोनम जैन, भतीजे भतीज बहू और उषा जैन, जेठानी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जैन, विनोद जैन, जेठ संजोगता रमेश कुमार जैन, कुसुम जैन, नरेश जैन, लंडन ननद और नंदोई जी हैं, अनीता जलंत, जैनेन्द्र जैन, पिंकी, मोनिका, राजीव जैन, कुमार जी और समस्त कार्यक्रम की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भगवान महावीर स्वामी से हम प्रार्थना करते हैं तो उनको ये जो दुख अगाध दुख पहुँचा है उसको सहने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में, कोई कैंसर टाइप बीमारी है लेकिन वो उनको मतलब उसकी जो कोई नॉलेज नहीं है डॉक्टर को, तो अंदाजा सिस्टम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई डायग्नोज नहीं कर रहे। एक हफ्ता पहले ये TMC में रहे, फिर उसके बाद लगभग 10-12 दिन ये वहाँ पे रहे, तो कहते बस डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके सेल नहीं बन रहे, तो लगातार इनको ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने भी इनको ऑफर किया, मैं कहता ब्लड की ज़रूरत है मैं दे देता हूँ तुम्हारी फैमिली को, तो आप सब दे सकते हैं, तो कहते हैं कोई भी एक दो दिन बाद दे देंगे। तो ऐसे ही कुछ दिन, 2-4 दिन और निकल गए, तो मैंने फिर परसों रात को इनको 9 बजे बेटे को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा क्या पोजीशन है, कहते वेंटिलेटर तो उतार दिया है पर पोजीशन ठीक नहीं है, अभी भी डॉक्टर कोई तसल्ली नहीं दे रहे। तो लगभग मेरे को रात को 11 बजे के करीब तो इनका जो स्वर्गवास हो गया, तो इनके नाम के आगे स्वर्ग से लगाते ही मेरे को तो बड़ा ही दुख हो रहा है, क्योंकि हमारा परिवार एक रिश्ता होने के नाते हम अक्सर इनके परिवार में आना जाना, फंक्शनों में आना जाना। और मैं उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है ना, मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, हर टाइम हंसते रहना, उन्होंने किसी ने को मजाक भी कर दिया रिश्तेदार ने तो उसने हंसते हंसते उसका जवाब देना, कभी भी उन्होंने आज तक किसी का मेरे ख्याल से गुस्सा तो किया नहीं। और देव गुरु धर्म में उनको बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी, और उनकी जो बेटे लोकेश और उनकी उनका भाई और उनकी वाइफ ने, उनकी पुत्र वधुओं ने, प्रेम अभी जी की, उनकी इतनी सेवा की पिछले 10-15 दिन में। मेरे घर जब मैं हॉस्पिटल गया तो सब लोग वहीं बैठे थे और लगातार मंत्र का जाप चल रहा था, और पूरी कोशिश थी कि ये इस क्रूर बच्चे से बाहर आ जाए, लेकिन वो कहते नीति का विधान होता है, और मात्र 56 ईयर्स ओल्ड कुछ भी नहीं एज होती, और मेरे और अशोक जी की उम्र भी लगभग सेम है, और छातियाँ भी हमारी आगे पीछे 2-4 महीने के फर्क से हुए हैं, और हमारा आपसे बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस छोटी सी उम्र में चले जाना, ये आयुष्करम ही कह सकते हैं, वो तो कहते हैं ना आयुष्करम बता होता है, तो भगवान की तरफ से जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है। प्रभु तेरी सुनिए पुकार, हरि हंते प्रभु मेरी
अरे अंत प्रभु मेरी सुनिए पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। महाविदे में हो मेरा जन्म, जैन कुल पाओ होए आर्य धर्म। बच्चे लोग, पोते पोत्रियां दोत्रियां सभी आनंद महसूस करते हैं। चाहे वृक्ष जितना भी पुराना हो जाए, माना वो हमें फल नहीं दे सकता, लेकिन हमें छाया तो देता है। इसी तरह हमारे परिवार के बुजुर्ग होते हैं जो हर समय हमारे परिवार में रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें नेक सलाह देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। एक माँ का तो कहना ही क्या, किसी ने कहा भी है, हम रोज पढ़ते हैं कि मेरी माँ को, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ। इतना हंसमुख स्वभाव, हर बात को सरलता से और इतने प्यार से उसका उत्तर दे देना, हंसते हुए कोई बड़ी से बड़ी बात को भी ऐसे कह देना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात होती है। प्रेम जी हमारे बीच नहीं रही। आयु का ये छोर जो होता है कि पति पत्नी का कितना लंबा साथ चले वही बढ़िया होता है। अशोक जी अब बच्चों के लिए वही माँ और वही बाप, और अशोक जी के लिए बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार देना, ये अब आगे की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। मैं और कुछ ज़्यादा ना कहता हुआ, चूंकि पूरी व्यवस्था है उनसे प्रार्थना गैलरी में आना है। दिवंगत आत्मा के प्रति, परिवार के प्रति यहाँ से बहुत कुछ कहा गया, और आप सब लोग भाई बहन दोस्तों मित्रों संबंधियों के रूप में बाहर से जो भी आए हैं सब जानते हैं और मानते भी हैं कि ये भाव कम है, क्योंकि ये दुख जो होता है असमय जाने का बेहद ही पीड़ाजनक होता है। हमारे यहाँ पर एस एच एन सभा सिविल लाइन पूज्य गुरुदेव राजाचार्य गुरुदेव के शिष्य रतन ऊपर वर्तक तो चलते हुए वो शाली भट्ट के यहाँ पहुँचते हैं, और उन्होंने वो जो कंबल भी लिए, और ऐसा भी आया कि वो कंबल जो है उन्होंने काट कर अपने सेविकाओं को जिसको कहते हैं कि टॉप पहुँच कर दे दिए।
ये सारे कमर जो श्रेणी के पास पहुँचते हैं वो भगवान के चरणों में पहुँचते हैं। ये इनका नाम शादी भद्र है और इन्होंने अपूर्व कर्मों के ऐसे बंधन किए हैं कि साक्षात जो है लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा होती है। जब जब बालक के रूप में थे एक गरीब परिवार में जन्मे हैं, इस आत्मा ने जन्म लिया, उसके भावों के साथ खीर बहरा दी और कालांतर में उस बच्चे का स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये वही जीव है जो उसने इतनी इतनी ऊंची भावनाएं रखी कि वो आज शाली भद्र के रूप में है। तो भगवान ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे जीवन में भावनाओं का बहुत ही ऊंचा स्थान है। ये भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचे क्षेत्र में ले जाती हैं। भावनाएं हो ना हो तो किया हुआ धर्म भी हम व्यर्थ मानते हैं। हमारे जीवन में लगातार हमारे सुंदर भाव हो, हमारे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो उसको लेकर जाएं। क्योंकि ये सब लोग जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु लोग में बैठे कुछ यात्री हमारे पास निरंतर इस गाड़ी में आ रहे हैं, नए भी यात्री आ रहे हैं, हम लोग वेटिंग हाउस में हैं। तो जो भी समय यहाँ पर आ रहा है हमारे ऊँचे भावों के साथ, धर्म के साथ, वो यही हमारी भावनाएं हैं। तो आज जिस देवी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कल जब उनका बैरवा आ रहा था तो मात्र 56 साल की उम्र, तो ये एक ऐसी उम्र होती है चाहे जानते हुए भी ना जानते हुए, हम सब लोग समाज में परिवार में एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं कि दुख को महसूस करते हैं। तो इस देवी का जाना, इस कम उम्र में जाना परिवार के लिए, दोस्तों मित्रों संबंधियों के लिए बेहद ही शोक की घड़ी है और हम सब इसके लिए हार्दिक इस परिवार को संवेदना भी प्रकट करते हैं। परिवार में श्रीमती प्रेम जैन, वाइफ ऑफ श्री अशोक कुमार जैन, सन ऑफ श्री सरदारी लाल जैन, दारे शाह लोडा परिवार, लोकेश जैन, प्रेरणा जैन, पुत्र वधु रोहित जैन, कृति जैन, पुत्र वधु त्रिमन्या और अन्य हैं जो पुत्र और पोत्री हैं, संजय जैन, रीमा जैन, पंकज जैन, शिखा जैन, ये प्रवक्ता भाजपा लुधियाना, अमित अलका जैन, आशीष सोनम जैन, भतीजे भतीज बहू और उषा जैन, जेठानी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जैन, विनोद जैन, जेठ संजोगता रमेश कुमार जैन, कुसुम जैन, नरेश जैन, लंडन ननद और नंदोई जी हैं, अनिका जलंत, जैनेन्द्र जैन, पिंकी मोनिका, राजीव जैन, टिक्की माता जी, भाई श्री मनमोहन जैन, शिवानी जैन भाई और भाभी। एक अच्छा सुंदर गुलदस्ता है जिसमें सब कुछ जो इस समय के अनुसार होना चाहिए, समय अनुरूप होना चाहिए, वो सब कुछ इसमें दिख रहा है, परंतु शायद समय नहीं है। इस परिवार के लिए बेहद ही मैं तो ये समझता हूँ, कल हम लोग जो बैठे थे नीचे जब बात हो रही थी तो एक स्वाभाविक प्रश्न हो जाता है कि कितनी उम्र के थे, तो मेरे को बहुत ही झटका सा खुद भी लगा। तो इस परिवार के लिए हार्दिक संवेदनाएं। छू श्राविका जो लुधियाना समाज का जो प्रमुख अंग परिवार, लव जैन, माई लव और श्री जिनवर हाजरी फैब्रिक्स परिवार, तो जो भी यहाँ उपकार नगर में भी रहता है, कुछ लोग शिवपुरी के भी हैं, तो ये विभिन्न क्षेत्रों से समस्त पंजाब भर से भाई बहन जैन जो पधारे हुए उत्तर भारत से, आप सब लोग जो भी यहाँ पर अपने अपने भावों के साथ इस दिवंगत आत्मा के चरणों में बोलने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं, श्रद्धा पुष्प अर्पित करा रहे हैं, जो आज के अवसर पर बोलने का भाव रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो ही जो है हमारे अंदर जाएं और कुछ जो भी भाव है कहें। मैं आमंत्रण करता हूँ आदरणीय भाई श्री नरेंद्र जी को, जो हमारे भोगियाँ इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए मेरे भाई बहनों को मेरा सादर ध्यान देना। इनके जो हस्बैंड श्री अशोक जैन जी, वो रिश्ते में मेरे मामा जी के बेटे हैं और हमारा बहुत पारिवारिक और नजदीकी रिश्ता है। तो मैं से पहले पता चला फोन से, इसलिए मेरे सिस्टर ने बताया, कजन सिस्टर ने, कि ऐसे ऐसे मम्मी जी को प्रॉब्लम है। तो मैं हॉस्पिटल मिलने गया तो वहाँ लोकेश जी मिले, इनके बड़े बेटे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम डॉक्टर बता रहे हैं वो जो 15-20 लोगों में 15-30 लाख के डॉक्टर साहब कुछ भी बता नहीं रहे, कोई कैंसर टाइप बीमारी है, लेकिन वो उनको मतलब उसकी जो
कोई नॉलेज नहीं है डॉक्टर को, तो अंदाजा सिस्टम एक बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई डायग्नोज नहीं कर रहे। एक हफ्ता पहले ये टीएमसी में रहे, फिर उसके बाद लगभग 10-12 दिन ये वहाँ पे रहे, तो कहते बस डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके सेल नहीं बन रहे, तो लगातार इनको ब्लड की जरूरत है। तो मैंने भी इनको ऑफर किया, मैं कहता ब्लड की जरूरत है मैं दे देता हूँ, हमारी फैमिली को आप सब दे सकते हैं, तो कहते कोई भी एक दो दिन बाद दे देते। तो ऐसे ही कुछ दिन, 2-4 दिन और निकल गए, तो मैंने फिर परसों रात को इनको 9 बजे बेटे को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा क्या पोजीशन है, कहते वेंटिलेटर तो उतार दिया है पर पोजीशन ठीक नहीं है, अभी भी डॉक्टर कोई तसल्ली नहीं दे रहे। तो लगभग मेरे को रात को 11 बजे के करीब तो इनका जो स्वर्गवास हो गया, तो इनके नाम के आगे स्वर्गवासी लगाते ही मेरे को तो बड़ा ही दुख हो रहा है, क्योंकि हमारा परिवार एक रिश्ता होने के नाते हम अक्सर इनके परिवार में आना जाना, फंक्शनों में आना जाना, और मैं उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है ना, मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, हर टाइम हंसते रहना, उन्होंने किसी ने को मजाक भी कर दिया रिश्तेदार ने तो उसने हंसते हंसते उसका जवाब देना, कभी भी उन्होंने आज तक किसी का मेरे ख्याल से गुस्सा तो किया ही नहीं। और देव गुरु धर्म में उनको बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी, और उनकी जो बेटे लोकेश और उनकी उनका भाई और उनकी वाइफ ने, उनकी पुत्र वधुओं ने, प्रेम अभिजय की, उनकी इतनी सेवा की पिछले 10-15 दिन में। मेरे घर जब मैं हॉस्पिटल गया तो सब लोग वहीं बैठे थे और लोकार मंत्र का जाप चल रहा था, और पूरी कोशिश थी कि ये इस कबूर पंजे से बाहर आ जाए, लेकिन वो कहते नीति का विधान होता है, और मात्र 56 ईयर्स ओल्ड कुछ भी नहीं एज होती, और मेरे और अशोक जी की उम्र भी लगभग सेम है, और छातियाँ भी हमारी आगे पीछे 2-4 महीने के फर्क से हुए हैं, और हमारा आपसे बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस छोटी सी उम्र में चले जाना, ये आयुष्करम ही कह सकते हैं, वो तो कहते हैं ना आयुष्करम बता होता है, तो भगवान की तरफ से जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है तो साथ ही साथ उसका आयुष्करम बनेगी, वो जाने की उम्र नहीं थी, ये तो देखने के दिन होते हैं जब मौत के दूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। तो मैं अपने परिवार श्रीमती राजकुमारी सुदर्शन कुमार जी, बंगाल प्रधान श्री विजय कुमार जी और समस्त कार्यक्रम की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और भगवान महावीर स्वामी से हम प्रार्थना करते हैं तो उनको ये जो अगाध दुख पहुँचा है उसको सहने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। वैराग्य की धार अगला भव
और समय के रूप में उन्होंने खड़े रखा भाव रखे, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई श्री रघुवीर जी, जो हमारी गौरवशाली संस्था एस एस जैन सभा शिवपुरी के महामंत्री महोदय हैं, श्री रघुवीर जी। और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका जन्म हुआ और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी अवश्यमेव है। जैसे एक फूल डाली पर खिलता है, अपनी छटा बिखेरकर, अपना सौंदर्य बिखेरकर अंत में एक दिन मुरझा जाता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है। इसी तरह इंसान का जीवन भी, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी अवश्यमेव है। इसी कड़ी में, इसी संसार में, नश्वर संसार में परसों भी यही दुखद समाचार हुआ। हमारे प्रिय आंटी जी श्रीमती प्रेम जी जैन, जिनका कुछ ही दिनों की अस्वस्थता के बाद निधन हो गया, जिसे सुनकर परिवार को क्या सारा जैन समाज आहित हो गया, शोक में डूब गया। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली ये सुशामित महिला गुरुओं के प्रति हमेशा समर्पित रहे, अपने धर्म के प्रति नित्य क्रम में उनका समाय करना, समर करना, तप करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। एक मिलनसार स्वभाव की ये महिला, जिनमें सबको अपने बनाने की एक कला थी, जो उनसे मिल लेता उनका दीवाना हो जाता। बच्चे बच्चे बड़े जो भी हंसी मजाक, छोटी उम्र में छोटा, छोटों के साथ छोटा, बड़ों के साथ बड़ा होना, ये उनका एक आर्ट था, ये कला थी। लाला प्यार लाल जी जैन हशियारपुर बालों की ये पुत्री, लाला बलदेव राज जी जैन, माता पुष्पावंती जी जैन इनकी प्यारी लाडली, जंडियाला गुरु के परिवार से लाला नंदलाल सरदारी लाल जी जैन, जंडियाला गुरु का ये सुप्रसिद्ध परिवार जिसे मौजी को हम दाराशाह जी कहते थे, उनके छोटे बेटे से श्री अशोक जी से इनकी शादी हुई 1982। बड़ी सुंदर जिंदगी गुजरी, बड़े हंसी मजाक के हर्षोल्लास के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाया। दो पुत्र रतन लोकेश जी, रोहित जी, लेकिन जब समय आया, इस सबसे प्यारा होता है, क्योंकि बच्चे अपनी रिश्ते में रहते हैं तो औरत और आदमी में एक दूसरे का साथ छोड़ जाना अभी छोटी उम्र में, ये हमारे अशोक जी के लिए बहुत ही विचित्र घड़ी है, दुखद घड़ी है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हमारे बाबू जी सरदारी लाल जी जैन जो जंडियाला गुरु में भी एक धार्मिक परिवार था, समाज सेवा के कार्यों में या कोई भी मानव सेवा का कार्य हो, ये परिवार हमेशा अग्रणी रहा। लोढ़ा परिवार को जो संस्कार हैं अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, हर मस्या को अपने बाप दादा पैनिक से जाया करते थे, औरों को भी प्रेरित कर दिया कि आप भी बाबा बैरन जी के दर्शन करने जाओ,
चुकी है, ऐसी कष्ट नहीं रही, लेकिन कुछ ही दिनों की बीमारी ने उन्हें ऐसा आ गया, सारे परिवार ने, सारे रिश्तेदार मित्र बेलियों ने प्रयास किया, डॉक्टरों ने अथक प्रयास, जितना मर्जी खून चाहिए, क्योंकि इनके जो भतीजे हैं पंकज जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इतना समाज में नाम है, किसी को एक आवाज लगाएं तो सारे दौड़े चले आते हैं। खून की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आयुष कर्म की कमी थी, आयुष कर्म कम पड़ गया, तो ऐसी सुशक्त महिला का चले जाना सचमुच समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। माँ बाप एक आंगन में वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिसकी छाया में बैठकर बच्चे लोग, पोते पोत्रियां दोत्रियां सभी आनंद महसूस करते हैं। चाहे वृक्ष जितना भी पुराना हो जाए, माना वो हमें फल नहीं दे सकता, लेकिन हमें छाया तो देता है। इसी तरह हमारे परिवार के बुजुर्ग और होते हैं, जो हर समय हमारे परिवार में रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें नेक सलाह देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। एक माँ का तो कहना ही क्या, किसी ने कहा भी है, हम रोज पढ़ते हैं कि मेरी माँ को, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा दो देती है। माँ के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम पड़ेगी। किसी ने माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा, माँ मैं कब तक तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो सकता हूँ? माँ ने कहा, जब तक आप लोग मुझे कंधे पर ना उठा लो तब तक आप चैन से सो सकते हो। तो ऐसी आज एक माँ हमारे बीच से चली गई, उनके बेटे लोकेश जी, रोहित जी, पुत्र वधुए प्रेरणा जी, प्रीति जी आज सभी दुखित हैं। सभी ने अपने तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके धर्मपति शोक जी बहुत मिलना है उनसे, हमारे जनियाला गुरु के हैं, हमारे पास उनकी फैक्ट्री है, तो कितना नेक स्वभाव अशोक जी का भी, लेकिन जो कुदरत की विचित्र घड़ी है उसके आगे हम सभी नतमस्तक हैं। उनके बड़े भाई महेंद्र जी, दविंदर जी, विनोद जी, सारा परिवार, उनकी ननंदे संजोक्ता जी, कुसुम जी जो कि लंदन से हैं, सभी आज दुखित हैं। तो मैं अंत में उस शासनेश प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं ऐसे जैन सभा शिवपुरी की तरफ से और उसके अधीन जितनी भी संस्थाएं आती हैं उनकी तरफ से शिवपुरी में विराजित महा साध्वी शांत मोदा श्री सुब्रता जी महाराज, डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की तरफ से और श्री जैन वंशीय नार साहब की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ प्रभु महावीर से प्रार्थी हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को ये दुखद घड़ी में ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। पूरी व्यवस्था गैलरी में आप लोग पढ़े हैं, गैलरी में पढ़ते हैं। इस श्रृंखला में मैं अंत में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई श्री सुनील जी, जो विभिन्न संस्थाओं को प्रेजाइड भी करते हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं और इस वक्त ऑल इंडिया जैन मनियोरिटी फेडरेशन के प्रधान भी हैं अनिल कुमार जलंधर से, माननीय श्री सुनील जी। शोक सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाई बहनों,
बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दासा कहते थे। आज की जो ये 50 वर्ष की आयु में संक्षिप्त सी बीमारी 15 दिन के अंदर इस नश्वर संसार को छोड़ काल धर्म को प्राप्त हुई के लिए हो रही है। हमारे महामंत्री, दोनों महामंत्री अति प्रतिष्ठित परिवार, किसी भी परिवार की पहचान, पेड़ की पहचान उसकी शाखाओं से होती है, उसकी डालियों से होती है। प्रेम जी ने अपने मायके परिवार का, लाला बलदेव राज जी की बड़ी सुपुत्री, चार बहनों एक भाई की बड़ी बहन, वहाँ से आकर लाला सरदारी लाल जी के परिवार में अपने परिवार द्वारा जो संस्कार ग्रहण किए उसकी खुशबू को आकर फैला। ये केवल परिवार की क्षति नहीं है, इतनी कम आयु में चले जाना एक सामाजिक अपूर्णीय क्षति है। पूरी तरह देव गुरु धर्म में आस्था रखने वाली ये महिला एक ऐसी सुश्राविका थी जो सदैव सबके हृदय पटल में स्मरण है। इनके भाई मनमोहन जी हमारे दामाद हैं, जलंधर से हमारे स्वर्गीय बड़े भाई ब्रिजमोहन जी, हमारे परम मित्र पिंकी जी जम्मू से आए हैं, उनके जीजा जी। मैं जिंदगी में आदमी बहुत से लोगों से किसी का वास्तविक परिचय अगर मिलता है तो घूमने के दौरान मिलता है। इतना हंसमुख स्वभाव, हर बात को सरलता से और इतने प्यार से उसका उत्तर दे देना, हंसते हुए कोई बड़ी से बड़ी बात को भी ऐसे कह देना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात होती है। प्रेम जी हमारे बीच नहीं रही। आयु का ये छोर जो होता है कि पति पत्नी का कितना लंबा साथ चले वही बढ़िया होता है। अशोक जी अब बच्चों के लिए वही माँ और वही बाप, और अशोक जी के लिए बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार देना ये अब आगे की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। मैं और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि इस संसार के अंदर जिसने जन्म लिया है, चाहे वो स्वयं तीर्थंकर ही क्यों ना हो जो मनुष्य भाव के अंदर आए हैं, वासुदेव हो हमारे जैसे साधारण मानव ही क्यों ना हो, अपना अपना आयुष कर्म पूर्ण कर इस संसार से जाना ही। आयु हमारे लिए कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जाने वाले ने अपना आयुष कर्म पूर्ण किया है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार, सारे परिवार की ओर से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस जलंधर हमारी जो शाखा है उसकी तरफ से, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन पंजाब के समस्त कार्यकारिणी की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और शासन देव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को जहाँ भी हो अपने चरणों में यथा योग्य स्थान दें। और बार बार अभी उनकी बहन नीता जी ने बहुत ही अच्छा भजन जो प्रस्तुत किया, हमारी जैन लोगों की ये भावना है कि अंततः हम मोक्ष की तरफ जाएं, बहुत वो जहाँ भी हो अंततः अपने जो लक्ष्य हमारे जिन शासन का है उसकी ओर हम अग्रसर हों। धन्यवाद, जय हिंद। पहले फिर पीछे जो भाई बहन खड़े हैं आदरणीय, ऊपर पूरी व्यवस्था है, उनसे प्रार्थना गैलरी में आना है। दिवंगत आत्मा के प्रति, परिवार के प्रति यहाँ से बहुत कुछ कहा गया, और आप सब लोग भाई बहन, दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के रूप में बाहर से जो भी आए हैं
सब जानते हैं और मानते भी हैं कि ये भाव कम है, क्योंकि ये दुख जो होता है असमय जाने का बेहद ही पीड़ाजनक होता है। परंतु कहते हैं कि धम्मो मंगल मुकुटम, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। जब भी कोई ऐसा दुख हो, शोक की बेला हो, तो और भी धर्म की शरण में आए। तो इस धर्म निष्ठ परिवार के लिए यही भावना है कि आप धर्म की शरण में रहें। यही सत्य मार्ग को देख दिखाने वाला है, बताने वाला है, और इसी मार्ग पर चलते हुए आप देवगुरु धर्म की उसी तरह सेवा करते रहें। इन्हीं सब मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोग भाई बहन जो भी बता रहे हैं, आप सबकी भी ओर से उस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं, शाश्वत प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिवार को मुझे दुख सहने में। कुछ सूचनाएं हैं, कुछ शोक और धर्म संदेश हैं, और दान की भी राशि बोलनी है, परंतु उससे पहले रस्म पगड़ी होगी। मैं प्रार्थना करूँगा जो परिवार पगड़ी लेकर आए हैं, कृपया परिवार को पगड़ी प्रदान करें, किसी भी तरह की राशि वगैरह की कृपा न करें। श्री सुनील नरेश जी राजीव जी से प्रार्थना, कृपया पगड़ी बदवाएंगे। श्री कीमती लाल कौर जी, श्री दशला चढ़िया, कृपया पगड़ी बदवाएंगे। ऐसा जैन सभा यमुनानगर, वो भी परिवार को शोक संदेश दे रहे हैं। हरियाणी समाज श्री बाबा बैरा तीर्थ कमेटी लुधियाना संघ रजिस्टर लुधियाना, भाई प्रधान भूपेंद्र जी समाज अरोड़ा परिवार शोक संदेश। रविंदर जैन अरोड़ा दे रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी प्रमुख भाई रविंदर अरोड़ा जी का शोक संदेश हमारे पास प्राप्त हुआ है। श्री विजय बल्लभ जैन युवक मंडल की तरफ से ये शोक संदेश आया है। बाबा भूमि स्वामी श्री संघ बंगा की तरफ से ये शोक संदेश आया है। यूएसबीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से ये शोक संदेश है, और महावीर जैन युवक संघ सिविल लाइन ने शोक संदेश फरमाए हैं। इसके अलावा धर्म संदेश है, पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि मरसा जो पंचकूला में विराजमान है, उन्होंने परिवार के लिए धर्म संदेश फरमाया है। परम आदरणीय महासाधी सुनीता जी शिव जी मानसा जो जगराव में विराजमान है, उन्होंने परिवार के लिए धर्म संदेश फरमाया है। यहाँ पर विराज उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी मानसा जिनका चतुर्मास चल रहा है, उन्होंने भी परिवार के लिए हार्दिक धर्म संदेश फरमाए हैं। परिवार सदस्य श्री माई लाल भौजरी श्री जिनवर फैब्रिक्स श्री अशोक जैन परिवार, उन्होंने आज की शोक की बाहर से आए हैं, अपने अपने भावों के साथ आए हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप आए, समय निकाला और परिवार को सांत्वना दी। इसके अलावा परिवार की और बाहर से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है, और करवत प्रार्थना है कि सभी जो है जो इस सभा के बाद भोजन लेकर जाने का भाव रखते हैं। इसके अलावा सामाजिक रस्म जो बामनी की रहती है, वो आज उनके निवास पर नगर पर 3 बजे की रखी गई है। हमारे यहाँ पर एस एच एन सभा सिविल लाइन पूज्य गुरुदेव राष्ट्र उपाध्याय वाचाचार्य गुरुदेव के शिष्य रतन उपरवर्तक श्री पीयूष मुनि मार साहब का पावन चतुर्मास चल रहा है। सुबह 8:15 परिवर्तन का समय होता है, तो जो भी लुधियाना से संबंध है उनके लिए सूचना अवश्य ही जो है इस समय का धर्म लाभ लें।
गुरुदेवों की इस पावन कृपा के बाद सभा को विराम दिया जा रहा है। पहले परिवार जाएगा, उसके बाद हम सब जाने का भाव रखें। फिर एक बार प्रार्थना बाढ़ से भाई बहनों से कृपया भोजन।